नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और मैं प्रभात एग्जाम के करंट अफेयर शो के 114वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से। नंबर एक, नवंबर के महीने तक भारतीय अर्थव्यवस्था में आए 50,000 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश। पिछले 8 महीनों में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने भारतीय इक्विटी बाजार में 1.4 लाख करोड़ रुपए डाले हैं। यह किसी एक वित्त वर्ष में अब तक सबसे ज्यादा है। इससे पहले वित्त वर्ष 2012 और 13 में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने 1,40,000 करोड़ रुपए डाले थे। 1 अप्रैल से अब तक इन्होंने भारतीय इक्विटी मार्केट में 1,40,295 करोड़ रुपए डाले हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की श्रेणी में फॉरेन इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स दोनों आते हैं। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी कि FPIs ने इस महीने में अब तक भारतीय बाजार में 50,000 करोड़ रुपए तक डाले हैं। उच्च तरलता की स्थिति तथा अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों को लेकर असमंजस दूर होने के बाद वैश्विक संकेतक बेहतर हुए हैं, जिससे भारतीय बाजारों में FPI का निवेश बढ़ा है। नंबर दो, दिल्ली में घटे कोरोना टेस्ट के दाम। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले दिनों कोरोना महामारी का जबरदस्त प्रकोप देखने को मिला। हालांकि अब दिल्ली में कोविड के मामलों में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। इसी बीच दिल्ली सरकार ने कोरोना के टेस्ट की कीमत निर्धारित कर दी है। दिल्ली सरकार ने कोविड RT-PCR टेस्ट की कीमत 2400 से घटाकर 800 रुपए करने का आदेश दिया है। नंबर तीन, OIC में कश्मीर के जिक्र पर भारत ने दर्ज की नाराजगी। OIC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन की बैठक में जम्मू कश्मीर के मसले पर जिक्र में भारत ने 29 नवंबर को कहा कि हम कश्मीर के मसले को सिरे से खारिज करते हैं और मीटिंग में रखे गए तथ्य गलत, भ्रामक और अनुचित थे। भारत ने पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यह निराशा भरा है कि किस तरह से OIC अभी भी ऐसे देशों के बहकावे में आकर भारत विरोधी प्रचार में शामिल हो रहा है, जिसका धार्मिक सहिष्णुता, कट्टरपंथ और अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न को लेकर एक घृणित रिकॉर्ड है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन इस्लामिक देशों के मध्य सभी विषयों में सहयोग के उद्देश्य से बनाया गया एक संगठन है। इस संगठन में कुल 57 सदस्य हैं। दोस्तों, अब समय आ गया है आज के सवाल का। आज का सवाल है कि OIC का हेडक्वार्टर इनमें से किस शहर में स्थित है। आपके ऑप्शन है जद्दा, इस्लामाबाद, अंकारा या ढाका। आप अपने जवाब हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में बताएं। हम इस पर कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने आपसे पूछा था कि गुड़ी पाड़वा पर्व इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को गुड़ी पाड़वा कहते हैं। इस दिन से हिंदू नववर्ष का आरंभ होता है। यह पर्व मुख्य तौर से महाराष्ट्र और कोंकण क्षेत्र में धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।